हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज फिर से वेलकम करती हूँ आपका लर्न फास्ट एकेडमी की एक नई क्लास में, और लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया फॉर्मूला। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे रेगुलरली आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। एंड मेरे चैनल की प्लेलिस्ट भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, जिससे आप मेरी रेगुलर वीडियोस जो नहीं देख पा रहे हैं वो उस पर्टिकुलर वीडियो को वहां से एक्सेस कर सकते हैं। आज की क्लास में हम कर रहे हैं बिग ब्रो प्लस 3 एंड प्लस 30 का फॉर्मूला। बिग ब्रो के फॉर्मूले से मैं आपको पहले भी इंट्रोड्यूस करवा चुकी हूँ, आपको शायद ये फॉर्मूला थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको तो क्लियर हो ही गया होगा, बिकॉज वीडियोस से हम आपको सिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और जो रेगुलर देख के और उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं और उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। जिसके पास हमारी बुक्स हैं वो हमारी वीडियोस के थ्रू हमारी बुक्स में वो कर सकते हैं, और जिसके पास नहीं है उनको रेगुलर हमारे स्क्रीनशॉट्स मिल रहे हैं, जिससे आप अपने लेवल को उसके बेस पे कंप्लीट कर सकते हैं। बिग प्रो प्लस 3 एंड प्लस 30 का फॉर्मूला, उसके अंदर मैं आपको बताया हुआ है मैंने कि हमारा फॉर्मूला रहता है एड बेस लेस फ्रेंड। जहाँ हमारा 9 का फ्रेंड 1 था, 8 का फ्रेंड 2 था, ऐसे ही प्लस 3 का फ्रेंड जो है वो होता है, प्लस 3 का फ्रेंड होगा 7। एड बेस एड 10, लेस फ्रेंड लेस 7। ऐसे ही प्लस 30 का फ्रेंड होगा एड 100 लेस 70। बिकॉज जब हम 7-3 के अंदर हम क्या प्लस करें कि हमारा 10 हो जाए, मीन्स बेस के बराबर हो जाए, देन 7 एंड 30 के अंदर हम क्या प्लस करें कि वो 100 हो जाए, उसके लिए होगा 70। अब जब हम क्वेश्चंस करेंगे, हम क्वेश्चंस के अंदर देखेंगे कि हमारे पास पर्टिकुलर रूट पर वो बीट्स अवेलेबल है या नहीं है। अगर बीट्स होते हैं हमारे तो हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते, और बीट्स नहीं होते तब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फर्स्टली मैं क्वेश्चंस आपको करवाती हूँ, वो करवाती हूँ फिंगरिंग क्वेश्चंस, उसके बाद करवाती हूँ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के जो पर्टिकुलर रोड पर होते हैं। यहाँ हम फर्स्ट क्वेश्चन फिंगरिंग का कर रहे हैं, 7 प्लस 3। हम सारे रोड्स का यूज़ करेंगे, सारे पॉइंटर का यूज़ करेंगे जब फिंगरिंग क्वेश्चंस करते हैं तब। फर्स्ट क्वेश्चन इज 7। 7 के लिए आपको करना है पिंच इन 7 7 7 प्लस 3। अब देखिए प्लस 3 इज नॉट पॉसिबल हेयर, देन वी हैव टू अप्लाई फॉर्मूला हेयर। फॉर्मूला क्या है? एड बेस लेस फ्रेंड, और 3 का फ्रेंड कौन है? 3 का फ्रेंड है 7, बेस क्या है? 10। एड बेस एड 10 लेस 7। लेस 7 करने के लिए हमें करना होगा एड 10 लेस 7। एड 10 लेस 7, एड 10 लेस 7, देन आंसर इज 10। ओके, ये तो था फिंगरिंग का फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसी तरीके से हम 70 वाला भी कर लेते हैं, इसको जूम करके। आपके पास स्टूडेंट एबेकस है, आप स्टूडेंट एबेकस में प्रॉपर तरीके से सरफेस पर रखकर पिंच इन एंड पिंच आउट को करेंगे। 70 प्लस 30, ये रहेगा हमारा टेंस रोड पर। यहाँ हम कर रहे हैं 70 70 70 70। 30 इज नॉट पॉसिबल, अप्लाई फॉर्मूला एड 100 लेस 70, एड 100 लेस 70, एड 100 लेस 70, एड 100 लेस 70, देन आंसर इज 100।
ये तो फिगनिंग क्वेश्चन से हमारे। अब हम कर रहे हैं कुछ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस, जिससे आपको फॉर्मूला क्लियर और अच्छे से होगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज वन, हाउस पॉइंटर पे आप इसे कर सकते हैं। फिंगरिंग एक्सरसाइज हम इसलिए करवाते हैं ताकि आपकी प्रॉपर फिंगर्स प्रॉपर तरीके से यूज़ हो सके, बिकॉज आगे आगे जैसे आप लेवल्स में जाएंगे तो आपको फिंगर को ही यूज़ करना है विजुअलाइजेशन के थ्रू। वन प्लस सेवन प्लस थ्री, देखिए यहाँ थ्री पॉसिबल नहीं है बिकॉज हमारे पास यूनिट रोल पर बीट्स नहीं है। तो हमने फॉर्मूला लगाया एट टेन लेस सेवन, देन आंसर इज इलेवन। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज फाइव प्लस फोर प्लस सेवन। अब देखिए यहाँ सेवन पॉसिबल नहीं है, तब हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा? प्लस सेवन का। प्लस सेवन का फॉर्मूला क्या था? एट टेन लेस थ्री, बिकॉज सेवन का फ्रेंड कौन था? थ्री। तो आंसर इज सिक्सटीन। आंसर इज सिक्सटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्वेल्व प्लस टू प्लस फाइव प्लस थ्री। अब देखिए यहाँ थ्री पॉसिबल नहीं है, तब हमें करना क्या पड़ेगा? एट टेन लेस सेवन, बिकॉज सेवन थ्री का फ्रेंड है सेवन, देन आंसर इज ट्वेंटी टू। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्टी फाइव प्लस फोर माइनस टू प्लस थ्री। अब देखिए यहाँ बीट्स नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और फॉर्मूला थ्री का है एट टेन लेस सेवन, देन आंसर इज फोर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेवन प्लस फाइव प्लस वन प्लस थ्री। अब देखिए यहाँ पर बीट्स नहीं है थ्री के लिए, हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एट टेन लेस सेवन, देन आंसर इज ट्वेंटी। ओके, इस तरीके से हमें क्वेश्चंस करने होते हैं हमारे बिग ब्रो के। बिग ब्रो के अंदर आपको जैसे से आगे जाते जाएंगे क्वेश्चंस के, आपको पहले वाले क्वेश्चंस भी आएंगे। जैसे हमने यहाँ प्लस सेवन का किया था, यहाँ थ्री नहीं था पर प्लस सेवन का फॉर्मूला लगाया था। ओके, होप आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होगी प्लस थ्री एंड प्लस थर्टी की। आगे की क्लासेस के अंदर हम करने वाले हैं प्लस टू प्लस वन एंड ऑल। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, आगे लेके आऊँगी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़। आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।